कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा। उत्तर प्रदेश लगातार इस समय सरगर्मी में है, क्योंकि अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव निपटे हैं और विधानसभा चुनाव में 37 साल पुराने दशक को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई। उसके बाद विधान परिषद के चुनाव, राज्यसभा चुनाव और साथ ही साथ दो मुद्दे और अहम हैं जो कि लगातार चर्चा बने हुए हैं। वो मुद्दे हैं ज्ञानवापी मस्जिद का, जो कि लगातार जिस पर बवाल हो रहा है, चर्चा में है और आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। तो वहीं एक जो सकारात्मक पहल यहाँ पर है वो भी चर्चा में है, वो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जब प्रथम कार्यकाल था, पहला कार्यकाल था, तो फरवरी 2018 में इन्वेस्टर समिट कराई गई थी, जिसमें लगभग 4.67 लाख करोड़ का निवेश आया था और उस निवेश में से लगभग 3.28 लाख करोड़ की योजनाएं इस समय धरातल पर है, काम हो रहा है। तो वहीं दूसरी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी वो जुलाई 2019 में रही और उसमें भी लगभग 67,000 करोड़ का निवेश आया था, उस पर भी काम चल रहा है। तो इसी पथ पर आगे बढ़ते हुए जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा आई तो पहले से ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है और लगातार जो अपनी सक्रियता है वो अपने काम से यहाँ पर दिखा रही है। 100 दिन का रोड मैप, 3 महीने का रोड मैप, 6 महीने का रोड मैप, साल भर का रोड मैप, यहाँ तक ये भी कहा गया है कि जो विधानसभा चुनाव में जो संकल्प पत्र जारी किया था वो हम 2024 के पहले ही पूरा कर लेंगे। 3 साल हम एक्सटेंशन पर जाएंगे और बेहतर काम करेंगे और जो हमने जनता से वादे किए हैं वो हम 24 तक पूरे कर लेंगे। भाई, चुनाव भी बहुत अहम है क्योंकि 2024 का चुनाव भी बेहतर तरीके से यहाँ पर परिणाम लाना है, ये प्राथमिकता में शामिल है। तो वहीं आने वाले समय में निवेश को देखते हुए, क्योंकि योगी सरकार का एक सपना रहा है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, डॉलर की यहाँ पर इकोनॉमी बनाना है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश जो समय एजी ऑफ डूइंग बिजनेस के स्तर पर अभी दूसरे पायदान पर है देश में, उसको प्रथम पायदान पर लेकर आना है और जो सुविधाएँ हैं वो बेहतर करनी है और निवेश के माहौल को ऐसा बनाना है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर निवेश हो। आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन था जिसकी शुरुआत आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, वो आए थे और 80,000 करोड़ की लगभग 1406 परियोजनाओं का यहाँ पर शुरुआत की गई और बड़ी संख्या में यहाँ उद्योगपति आए और लोग आए और साथ ही साथ एक निवेश का माहौल बनाया गया कि उत्तर प्रदेश में किस तरह हम निवेश कर सकते हैं और बेहतर संसाधन आपको यहाँ मिलेंगे सुरक्षा के लिए के या अन्य जो स्किल्ड लोग हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, इसके अलावा जो व्यवस्थाएँ हैं, जो मानक हैं स्तर के, जो कंपनी स्तर के या इंडस्ट्री स्तर के, वो पूरे कराएंगे, सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। सुविधाओं की बात करूँ तो देश में अलग अलग सुविधाएं हैं। अगर हम बात करें फार्मा इंडस्ट्री की, फार्मा इंडस्ट्री के लिए अगर हम देश में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर टैक्स फ्री किया गया फार्मा को, जिससे अधिकांश बात करेंगे देश की कि देश की जो अधिकांश फार्मा कंपनियाँ इस समय बद्दी में है, हिमाचल प्रदेश के बद्दी में है, इसका महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। तो जहाँ पर जैसी सुविधाएं मिलती है कंपनियाँ वहाँ पर जाती हैं, आकर्षित होती हैं, वहाँ पर निवेश करती हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी निवेश को और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जो बड़ी संख्या में उद्योगपति शामिल हुए, जिसमें कि अडानी ग्रुप के गौतम अडानी और गुलाम कुमार मंगलम बिरला समेत तमाम बड़े बड़े शख्सियत शामिल हुए। तो जो चर्चा का विषय वो है 80,000 करोड़ की योजनाएँ हैं और साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरह से निवेश को बेहतर किया जाएगा। और साथ ही साथ एक प्रश्न और है कि इस निवेश के दौर में हम, इस निवेश के चरम स्तर पर हम कौन कौन से क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में डेवलप करेंगे जहां पर आज तक इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई और जहां के निवासी आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए, जीविका के लिए अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में पलायन पर मजबूर हैं। सुनते कुछ बयान, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अपने रिफॉर्म से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है। वन नेशन वन टैक्स जीएसटी हो, वन नेशन वन ग्रीड हो, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड हो,
वन नेशन वन राशन कार्ड हो, ये सारे प्रयास हमारी ठोस और स्पष्ट नीतियों का प्रतिबिंब है। जब से यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से यूपी में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। तेज विकास के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तीनों पर एक साथ काम कर रही है। इस साल के बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए के अभूतपूर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन इसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने पीएलआई स्कीम्स घोषित की हैं, जिनका लाभ आपको यहां यूपी में भी मिलेगा। यूपी में बन रहा डिफेंस कॉरिडोर भी आपके लिए बेहतरीन संभावनाएं लेकर आ रहा है। भारत में आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जितना जोर दिया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमने बड़ी हिम्मत के साथ फैसला किया है। हमने 300 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई की हैं और हमने निर्णय किया है कि ये 300 चीजें अब विदेश से नहीं आई। 80,000 करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजनाओं के कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा से यह कार्यक्रम आज यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। 1400 से अधिक जो निवेश की परियोजनाएं हैं, इनमें डाटा सेंटर की हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, आईटीएम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, एमएसएमई आदि क्षेत्रों की इन परियोजनाओं में, जिनके माध्यम से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख से 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगे। परंपरागत उद्यम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में मदद करने में भी सफलता प्राप्त की, और केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की उन योजनाओं से जो आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करती हैं, 60,00,000 ऐसे हमने परंपरागत उद्यमियों को भी इस योजना के साथ जोड़ा, तो 5,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी भी हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो इस समय बयान है वो आपने सुने, योगी आदित्यनाथ क्या बोले वो भी आपने सुना। तो यहाँ पर जो आज चर्चा का विषय है कि निवेश के मायने क्या हैं, क्योंकि ये तीसरी आपकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर निवेशकों को आकर्षित किया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ योजनाओं की शुरुआत की गई है, पर इसके निवेश के मायने क्या है, आने वाले समय में इस निवेश का क्या फायदा होगा, और अभी भी निवेश के माहौल को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में अभी हमको बहुत कुछ आगे सोचकर जाना है, तभी बात बन सकेगी, क्योंकि रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराना भी प्राथमिकता होगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ बीजेपी से विवेक कुमार श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस से हमारी पार्टी कांग्रेस से प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से मीसम जरी सपा का पक्ष रखेंगे, रालोद से अंकुर सक्सेना जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, तो अनुराग मिश्रा हमारी पार्टी से हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। तो जो पहला सवाल हमारा रहेगा प्रवक्ता बीजेपी से, विवेक जी तीसरी सेरेमनी थी और 80,000 करोड़ का यहाँ पर आंकड़ा बताया गया है कि निवेश आएगा और 1,406 परियोजनाओं पर काम होगा। अगर हम पुराने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात करें तो 4,67,000 करोड़ का आंकड़ा था, उसके बाद जो अगला आंकड़ा था दूसरी का तो लगभग 67,000 करोड़ का था, अब 80,000 करोड़ का यहाँ पर आंकड़ा बताया गया है, पर इस निवेश को अगर हम धरातल पर देखें तो सरकार बोल रही लगातार काम हो रहे हैं और अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के
जहां पर इंडस्ट्री डेवलप नहीं है, ओडीओपी चल रहा है सहमत हूँ, अन्य काम चल रहे हैं सहमत हूँ, कंपनियां आ रही सहमत हैं, काम हो रहा है सहमत हूँ, पर अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर भी आज भी लगातार जो वहां के नागरिक हैं, जो वहां की जनता है उस क्षेत्र की, वो जीविका के लिए अन्य राज्यों में जाती है, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र में जाकर वो काम कर रहे हैं, उनको उस जगह पर अभी भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई, उस दिशा में काम करने के लिए क्या प्राथमिकता रखी जा रही है? देखिए गौरव जी, आज 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। ये शिलान्यास तब हो जाता है जब सारी औपचारिकताएं पूरी होकर के उसके जमीन पे जब वो परियोजनाएँ उतरती हैं तो उसको शिलान्यास करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट समिट जो थी, इन्वेस्टर समिट, इसमें अन्य जो नए प्रोजेक्ट थे उसके लिए तो घोषणाएं हुई लेकिन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ, जिनको जमीन पर उतरते आज देश ने, प्रदेश ने देखा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज सबको अवगत कराया कि आने वाले 10 सालों में भारत की ग्रोथ को उत्तर प्रदेश मूवमेंट देगा जी, सही बात है। देश की 5वें-6वें नंबर की जनसंख्या वाला प्रदेश यही निवास करती है जी। और यहाँ पे जो मास में जो टैलेंट है उस टैलेंट का अभी तक सदुपयोग नहीं हो रहा था। पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने यहाँ कानून व्यवस्था का राज कायम किया जी। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सिंगल विंडो सिस्टम की योजना लेकर के आए ताकि किसी भी उद्योगपति को दर दर फाइलों के साथ भटकना ना पड़े, और उसका परिणाम रहा लाल फीताशाही हटने के बाद आज पूरे भारत के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट लगाने के लिए आ रहे हैं और सहर्ष घोषणाएं भी कर रहे हैं। आज की भी आपने सबकी घोषणाएं आपने खुद ही बता दी, मुझे उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है जी। इसके इतर जिन जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना लागू की गई जी, अकेले प्रतापगढ़ में छोटे और लघु उद्योग देखा जाए तो 560 इकाइयां लगी है जी। 560 इकाइयों को लगने का मतलब है कि हजारों लोगों को रोजगार केवल प्रतापगढ़ में मिल गया। इसी तरह से हर जिले में कुछ ना कुछ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आच्छादित करके छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और उन उद्यमियों को बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार ने किया है, उसका परिणाम आपको यहाँ पे दिख रहा है जी। जिस प्रदेश की बेरोजगारी दर 18% थी जी, वो आज घट करके 2.9% हो गई जी। दिल्ली से भी कम है ये। दिल्ली जिसकी ढोल पीटते हैं केजरीवाल जी, बहुत बताते हैं कि साहब हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं जी, उनके प्रदेश से भी उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर कम है, ये साफ दिख रहा है जी। ये हमारी 5 साल की मेहनत का परिणाम है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का, आशीर्वाद का, डबल इंजन की सरकार का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। और इसी तरह से जैसे आज लक्ष्य दिया गया है कि 2024 तक हम अपने सारे लक्ष्य को प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे जी। और निसंदेह योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए पायदान चढ़ रहा है जी। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे देश में सबसे अच्छी यहाँ है। सारे उद्योगपति आज यहाँ पे अपने उद्योग लगाना चाहते हैं, जहाँ पे शांति होगी वही उद्योग पनपेंगे और यही आज उत्तर प्रदेश का दृश्य है। हमारे सर कांग्रेस से प्रदीप तिवारी जी हैं। प्रदीप जी, तीसरी सेरेमनी थी यहाँ पर और बड़ी संख्या में निवेश की बात की गई, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर आए थे और निवेश का एक ऐसा माहौल यहाँ पर तैयार किया गया कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, जैसा कि योगी सरकार का संकल्प है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ जो पहली इनकी इन्वेस्टर समिट हुई 2018 में फरवरी में जी, जिसको लेकर के आप बता रहे थे कि अभी 4.28 लाख करोड़ का जो एमओयू हुआ वो साइन हुआ और उसके बाद 3.28 लाख करोड़ का जो है वो धरातल पे आ गया। तो उसमें मैं आपको करेक्ट कर दूं कि वो इतना धरातल पे नहीं है। धरातल पे जो आंकड़ा है वो उस समय जो विधानसभा में डेटा दिया था सतीश महाना जी ने जी, तो मैं आपको बता देता हूँ 1045 एमओयू साइन हुए थे जी,
वैसे एमओयू साइन करने के लिए आप 1,00,000 एमओयू साइन कर डालिए, उसका समझना पड़ेगा कि एमओयू जो साइन होते हैं क्या वो बाइंडिंग हैं कंपनीज पे, क्या वो उनके लिए ये बाइंडिंग होते हैं कि वो धरातल पे उस पर काम करें? नहीं, वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, वो एक प्रकार सा एक एग्रीमेंट होता है, मगर वो बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं होता कंपनीज पे कि आपने अगर साइन किया है तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट ही करिए। वो उन पे आगे डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्ट करना चाहती हैं कंपनियाँ या नहीं करना चाहती हैं। अब बात करते हैं 2018 में 1,045 जो एमओयू साइन हुए उसमें 4.28 लाख करोड़ का निवेश करने की बात कही गई। बहुत जुमले बनाने में भारतीय जनता पार्टी तो आगे उस समय बता दिया, जो विधानसभा में सतीश महाना जी ने डेटा दिया, कहा 1,045 में से, 2020 का मैं डेटा बता रहा हूं, 1,045 जो एमओयू साइन हुए थे उसमें से सिर्फ 90 स्टार्ट हुए थे, 90 एमओयू स्टार्ट हुए और 39,000 करोड़ का उससे इन्वेस्टमेंट आया जी। आप तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ जुमले मारने में भारतीय जनता पार्टी कितना आगे है कि बता देते हैं इतना इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, और उस समय बताया 33,00,000 नौकरियां उससे क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा था, कागजों पे इन्वेस्टमेंट था और वो धरातल पे तो आया नहीं, बजट के तो, बराबर इन्वेस्टमेंट है जी जी बराबर, हाँ 4.28 करोड़ उस समय उन्होंने कहा था कि जितना हमने बजट दिया है उतना ही इन्वेस्टमेंट आ गया है जी। धरातल पे कुछ नहीं आया, तो ये मैं आपको डेटा आपका जो था वो करेक्ट करना चाहता हूँ कि ये हकीकत है। डेटा तो सरकार देती है भाई, नहीं वही सरकार के ही सरकार में उस समय सतीश महाना जी जो थे उन्होंने सरकार विधानसभा के अंदर ये बताया था, ये डेटा जो दिया था वो विधानसभा के अंदर दिया गया था, वो ऑन रिकॉर्ड डेटा है। अब बात करते हैं वो कितना था, 4.28 लाख करोड़ का 9% से भी कम इन्वेस्टमेंट हुआ, आप समझेंगे अगर आप देखेंगे तो वो 9% से भी कम हो जाता है। इसी तरीके से इस बार अब वो धीरे धीरे कम किया, उन्होंने कहा नहीं, वो समझ में आया कि हाँ वो धरातल पे पॉसिबल नहीं है, तो फिर बताया 67,000 करोड़, फिर इस बार 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। धरातल पे क्या है, लोग कंपनियां यहाँ पे कौन सी कंपनियां आ रही हैं, नहीं विवेक जी तो कह रहा है वहां पर प्रतापगढ़ 560 इकाइयां लगी हैं। अरे भैया देखिए देखिए हजारों को रोजगार मिल रहा है, देखिए ये जो बता रहे हैं इकाइयां सरकार की तरफ से किसको कितनी हेल्प की जा रही है ये बताना पड़ेगा। इकाइयां क्या वो जो पहले बुनकर थे, जो पहले पीतल का वर्क करते थे, जो पहले चूड़ी बनाने का काम करते थे, क्या वो पहले काम नहीं कर रहे थे? सरकार की तरफ से उनको कितना कितना मदद दिया गया ये बताएं, कितने लोगों को बताते हैं एमएसएमई के माध्यम से हमने इतने लाख करोड़ बांट दिए, भाई कहां है वो डेटा, कौन से लोगों को मिला? बहुत सारे लोग तो परेशान घूम रहे हैं, कह रहे हैं हमको तो मिला ही नहीं, वहां पे जाइए ये अपने मित्रों को लाखों करोड़ रुपए बांट देते हैं जो विदेश लेकर के वो पैसा चले जाते हैं, मगर एक जो छोटा बेरोजगार जो रोजगार करना चाहता है अगर उसको 50,000 रुपए चाहिए तो उसको इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन इतनी क्वेरीज हो जाती है कि वो दौड़ता ही रहता है, काम कोई नहीं, धरातल पे काम तो नजर ही नहीं आएगा। सिर्फ हवाई जहाज वाली बातें कि हाँ हवा में उड़ने वाली बातें भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, धरातल पे सिर्फ आपको नजर आएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी। विवेक जी जवाब लेते हैं, जोड़ते विवेक जी बताइए जल्दी। गौरव जी, प्रदीप जी ने बड़ा कटाक्ष किया, आज तो 80,000 करोड़ के 1400 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ, ये तो आंख से दिख रहा है ना जी। और जिन डेट बाई डेट जिन परियोजनाओं का ये आकलन कर रहे थे, कोई परियोजना एक दिन में नहीं लगती है। डिफेंस कॉरिडोर जब बन के तैयार हुआ उस पर तमाम परियोजनाएं आ रही हैं, कुछ लग गई, आपके संडीला में पिस्टल की फैक्ट्री लगी बबलिंग स्कॉट की जी। तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो डे बाई डे एक दिन आप किसी विकास के कार्य का मूल्यांकन, जरूरी नहीं है कि एक साल में अगर निवेश हो तो अगले साल वो उसी दिन उसका मूल्यांकन आप कर सकते जी, जी। तो इनके मूल्यांकन की प्रक्रिया पर मैं क्या चर्चा करूं। अब रही बात जो इनका ये विषय था कि जुमलेबाजी ये वो, 560 इकाई प्रतापगढ़ में लगी, आंकड़े हैं जाकर के देख ले, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अभी कहते साहब अपने मित्रों को बांटा, तो लगता है इनको अपने मित्रों की याद आ रही जो लोन लेकर के भागे। मुझे तो नहीं जानकारी कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी को लोन दिया गया और वो भाग गया हो विदेश, मेरे पास तो ऐसे कोई आंकड़े नहीं। अगर आपके पास हो तो आप दे दीजिए गौरव जी। भाई नीरव मोदी में हो, ये माल्या, भागे किसके शासन काल में, कौन सत्ता में था उस समय सत्ता में कौन था जब ये गए? लोन किसने दिया, ये बताइए लोन किसकी सरकार में दिया? लोन देना गलती नहीं है, लोन का डिफेंडर माल्या को लोन किसकी सरकार में दिया गया ये बताइए? उनके उनके उनको लोन पे लोन किसने किसकी सरकार में दिया गया ये बताइए? उनकी किससे दोस्ती थी ये बताइए? ये ना बताइए भागे किसने, ये बताइए कि लोन किसने दिया? अभी आपने बहुत 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 बेशर्मी से कहा कि इनके दोस्त भाग गए, लोन आपके दोस्त हमारे हैं, वही कहना चाह रहा हूं, आपके दोस्त हमारे हैं। लोन देना गलत नहीं है, क्यों नहीं गलत है? लोन तो अगर वो डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर को आपने भगा दिया, वो लोन किसने दिया? अपने साथ किसने दिया? चलिए दोस्ती किससे थी? लोन का आप दे रहे दोस्त हमारे बता रहे हैं।
लोन का विषय नहीं है। विवेक जी, प्रदीप जी, हमारे सर और लोग, जी जी चलिए चलिए चलिए, अभी अभी जवाब जवाब लेते हैं। हमारे और मेहमान जी मौजूद हैं। मीसम भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? मीसम जरी जी, बहुत बड़ी ग्रैंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी, तीसरा पार्ट था और बड़ी संख्या में यहाँ निवेश की बात कही गई। 80,000 करोड़ की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और निवेश का ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम विकास के दुश्मन थोड़ी हैं जी। तो हम ये बात थोड़ी कहना चाहते हैं कि देश तरक्की ना करे, प्रदेश तरक्की ना करे, रोजगार ना आए, प्रदेश का विकास हो, कोई भी करे। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि यहाँ दिया वहाँ दिया, मेरा कहने का मतलब ये कि हम उन गरीबों की बात करना चाहते हैं जिन गरीबों का नाम करके सरकारें बनती और बिगड़ती। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शासन किया जाता है उस गरीबों का नाम लेकर के, उसकी बात मैं करना चाह रहा हूँ बुनकरों की, उन समाज की, जैसे भी आपने एक नाम दिया मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और उसके बाद तमाम तरह के शिलान्यास हुए, योजनाएं हुई। जैसे कि मैंने कहा बेसिक बात है, अभी आप देखिएगा गोमती नगर में एक हॉस्पिटल बन रहा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैंसर हॉस्पिटल बना रहे थे, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया और सुना फिर वो स्टार्ट हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनमें बाधाएं डालना, जो हमारे जो नीड, जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं, शिक्षा हमारी बहुत जरूरत इस वक्त हमको जरूरी है, हमारा स्वास्थ्य के लिए जो काम होने चाहिए वो हमें इस वक्त बहुत जरूरी है, जिस वक्त हम कोरोना काल में हम आए थे और जिस तरह से प्रदेश झेल रहा था उस टाइम पर हमारी सारी व्यवस्थाएं फ्लॉप हो गई और कहीं ना कहीं हमने उनमें दम तोड़ दिया। तो इस तरह की निवेश, अभी 7,000 करोड़ दिए हैं अडानी जी ने, 4,000 करोड़ रुपया दिया है दूसरे बिजनेसमैन है, इस तरह से 10-11,000 करोड़ रुपया और इस तरह का 80,000 की परियोजनाओं का वो आया है। इस तरह के जो काम है पेपर में और तालियां बटोरने के लिए, और इसमें भी 2,00,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया होगा इस सेमिनार को करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो पैसा दिया जा रहा है वो पैसा, एक तो ये ला कहाँ से रहे बिजनेसमैन, क्योंकि देश की हालत हमारी जीडीपी पीछे गिरती चली जा रही है, $70 में पहुंच गया है, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं हमारा ही पैसा जो है वो रॉ पीटर टू पे पॉल एक कहावत है, उसके जरिए इसकी टोपी उधर से करके, और ये हमारा पैसा हमें कागजों पर दिखा करके और बड़े बड़े सुनहरे इस तरह के हमको सपने दिखा करके जो लोग चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर जमीन पर हम उसको देखना चाहते हैं, हम उस स्ट्रेंथ को आखिर जमीन पर क्यों नहीं उतारते हैं? आज की डेट में जब स्वास्थ्य का मामला आता है तो हम फ्लॉप हो जाते हैं, शिक्षा का मामला आता है हम फ्लॉप हो जाते हैं, सरकारी स्कूल में आज की डेट में कोई पढ़ाना नहीं चाहता, हर आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, और जिनकी आय स्रोत नहीं है कहीं से, प्राइवेट की फीस इतनी होती है कि हर गरीब आदमी नहीं जा सकता है, जिसमें के मॉडल का नाम दिया जाता है कि दिल्ली में केजरीवाल जी कहते हैं, इस तरह से जो सरकारें, और तो हम चाहते हैं कि जो सरकारी चीजें हैं, जो भी तंत्र है हमारा, और हमारी डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में देश में, हम चाहते हैं कि हम भी अगर विपक्ष में बैठे हैं तो हमसे भी अगर कोई मदद ली जाए तो हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश हमारा बढ़े। मगर इस तरह की भावनाएं गरीबों की जगा करके, अब आप देखिए ना कि स्मार्ट सिटी की बातें अब खत्म हो चुकी है, हवाई जहाज पर बिठा रहे थे, चफार चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा, आप दिखाइए ना कोई एक हमको सबूत दिखाइए इस तरह का, साथ ही दिखाइए जो आदमी हवाई चप्पल पहने हुए और हवाई जहाज का सफर कर रहा। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुहावरे, ये बातें, लक्ष्यदार बातें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो चीज पिछले 7-8 सालों से हम देख रहे हैं सिर्फ वो दोहराई जा रही है, कहीं ना कहीं उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, और देश का हमारा पैसा, यही करोड़ों लोग रुपया सब्सिडी लेंगे सरकार से, यही हमारा आरबीआई से लोन लेके और उसको इन्वेस्ट करेंगे और फिर इधर से घुमाएंगे और अपने परिवार में बांटेंगे, अपने खानदान में बांटेंगे, और हमारा ही पैसा लेकर के जहाज में बैठ करके विदेश भाग जाएंगे और जाकर के वहां घूमेंगे फिरेंगे अय्याशी करेंगे और उस तरह से अपना जी लग्जरियस लाइफ अपनी गुजारेंगे। तो हम गरीब को आखिर में क्या मिलेगा जी? हम जब बात करते हैं गरीबों की और गरीबों को साथ लेकर के बात करते हैं तो आखिर कहीं ना कहीं गरीब चला जाता, हम फिर कहीं ना कहीं वहीं पर रह जाते हैं। आप ये बताइए कि कोई भी चीज सेमिनार करने से और इतने बड़े बड़े वादे कर देने से जी ये देखिए कब काम शुरू होता, कब काम शुरू होगा, कब स्टार्ट होगा, कब हम गरीबों तक आज की डेट में हैंड टू माउथ हमारा जो
प्रदेश का और देश का आदमी है वो हैंड टू माउथ है, उसको अभी चाहिए, अभी आज वो गड्ढा खोद रहा है, आज वो पानी पी रहा है। आप बात कर रहे हो आने वाले समय के लिए, मैं चाहता हूँ अभी धरातल के ऊपर क्या है। हम चाहते हैं कि जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, आप देखिए कितने लोगों ने खुदकुशी कर ली, कितने लोग आत्महत्या कर ली, उनका परिवार कैसे चल रहा है आपको पता है? आपने कभी उनके बारे में पूछा कि उनका उनके परिवार का जीवन यापन किस तरह से हो रहा है? जो आदमी एक परिवार में कमाने वाला है, किसान है, वो अपनी आत्महत्या करे ले रहा। आप देख रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो हमारे प्रदेश के अंदर पंजाब एक ऐसी जगह जहाँ थोड़ा बहुत पूछा लिए किसानों में, बाकी उत्तर प्रदेश के किसानों का क्या हाल है आप देख रहे हैं किस तरह से किसान आत्महत्या कर रहा है। ठीक है जी जी, प्रवक्ता रालोड हमारे साथ अंकुर सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। अंकुर भाई, बड़ी यहाँ पर आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उद्योगपति आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर शिलान्यास किया बड़ी योजनाओं का, और साथ ही साथ ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में निवेश का ऐसा माहौल बनाएगा कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर निवेश करेंगे, इसमें कई देश भी शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश आने वाले समय में उत्तम प्रदेश बनेगा, क्या मानते भाई? देखिए गौरव जी, कहते हैं ना कि जो बलवान होता है उसके सभी मित्र होते हैं और जो समृद्ध होता है उसके साथ सब बैठना चाहते हैं। तो ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई है तो एक तरीके का आयोजन था बड़े लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ, बड़े उद्योगपतियों के साथ में। इसमें आम पब्लिक, आम आवाम का क्या मतलब जी? दूसरी बात, अभी आप ही क्या, आप ही के चैनल पे और जनरली जो हम सब लोग बात जानते हैं उसको मैं एक अलग रूप में प्रस्तुत करता हूँ या आपसे चर्चा करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल था 2018 में जी। 2018 में इन्वेस्टर समिट हुई जी। इन्वेस्टर समिट में कहा गया 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए थे ठीक है। 2018 में आपने इन्वेस्टर समिट किया, उसके बाद में लगातार आप ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर रहे हैं। एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, दूसरी हुई और ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे ने एक बार जन्म लिया तो एक साल बाद उसका हैप्पी बर्थडे मनाने की जगह या सारी योजनाओं को पूरी होने के बाद उसके विषय में उसका लाभ लेने की जगह उसका फायदा अपना पारितोषक लेने के लिए कि ये योजनाएं हमारे कार्यकाल में शुरू हुई थी और हमारे कार्यकाल में समाप्त हुई, उससे पहले ही उनने उसको टुकड़ों में बांट के एंजॉय करना चालू कर दिया जी। जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ, उस बच्चे ने घुटने पे चलना चालू किया, इनने सेलिब्रेशन चालू कर दिया। उस बच्चे ने किलकारी मारी, इनने सेलिब्रेशन चालू कर दिया। ये भी वेट नहीं किया कि वो बच्चा पहले साल बर्थ लेने के बाद दूसरे साल में आए। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं आम जनमानस के बीच में उन्हीं 4,68,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनको पार्ट में दिखा दिखा के कि हमारे, उस समय भी आपने कहा था कि हम यूपी में 4,68,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ले आए हैं। भाई साहब, अगर आप उस समय 4,68,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ले आए थे तो अब उसी के लिए आपको ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की क्या जरूरत है? आपको तो अभी उन योजनाओं को जब आप पूर्ण कर लेते उसके बाद एक आयोजन करते। सरकारी धन है, सरकारी धन जो आम जनता टैक्स पेयर है उसके टैक्स से वो पैसा जमा किया गया है और आप लोग अपने मित्र मंडली को वहां पे बुला के आप दावत दे रहे हो, आप मीडिया में प्रचार कर रहे हो, आम जनमानस को आप ये दिखा रहे हो कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा विवेक भाई ने अभी एक बात बोली, प्रथम कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में शासन बहुत अच्छी व्यवस्था में चला। वास्तव में प्रथम शासनकाल में उत्तर प्रदेश इतनी अच्छी व्यवस्था में चला कि द्वितीय शासनकाल की शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बात की घोषणा करनी पड़ी कि महिलाएं रात में 7 बजे से लेकर नाइट शिफ्ट नहीं करेंगी, चाहे वो सरकारी कार्य क्षेत्र में हो चाहे प्राइवेट कार्य क्षेत्र में हो। ये हमारे उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। कल कानपुर का प्रकरण आया, सिपाही की जो थाने में था, सिपाही की अपने आवाज पर गला काट कर हत्या कारित कर दी जाती है और आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोगों ने फुल कंट्रोल कर लिया। जिस प्रदेश में पुलिस कर्मी सुरक्षित नहीं है, जिस प्रदेश में महिलाओं के लिए नाइट में कार्यक्रम अपनी जीवन निर्वहन के लिए कार्य करने के लिए एक सुरक्षित माहौल नहीं है, आप उस उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का और प्रोपेगेंडा का ध्यान बटाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप 2024 के इलेक्शन मोड में, आम जनमानस इस बात को जान रहा है, विपक्ष भी इस बात को जान रहा है कि आपके द्वारा जो टुकड़ों टुकड़ों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी धन का अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समायोजन किया जा रहा है कि सरकारी धन के आधार पर आपके चेहरे को पब्लिसिटी मिले। इसके अलावा इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आज 75 उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इसका सीधा प्रसारण किया गया, जगह जगह आपके यहाँ LED लगाई गई या जगह जगह इसके प्रचार में जो धन व्यय किया गया उसकी क्या आवश्यकता थी? आज की डेट में आप दूरदर्शन पे, आकाशवाणी पे सीधा प्रसारण करते,
जिसको देखना होता देखता, नहीं देखना होता नहीं देखता। आपके भी सम्मानित चैनल और बाकी सम्मानित चैनलों पे भी प्रसारण चला है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकारी धन का, जो कि आम जनमानक टैक्स पेयर का, हम लोगों की मेहनत का जो धन है, उसका भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारी पार्टी से अनुराग मिश्रा जी हैं। अनुराग जी, सारी बातें सुनी, विवेक जी की बातें सुनी, बड़ा आयोजन यहाँ पर था और सभी ने अपने अपने बयान दिए। आम आदमी पार्टी क्या रहा है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बारे में? आवाज को बढ़ाई जाए जी। अनुराग जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुराग जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज मिल रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, बोलिए भैया। देखिए, बहुत जरूरी बात यह है जी कि जब सत्ता पक्ष में बैठे लोग गुरूर में हों जी, और सच से अपने आप को अलग करके केवल अपनी बात को केवल कहने के लिए तैयार हों जी, तो उसमें आप कौन सी बहस चलाएंगे जी? आप ये देख रहे हैं कि जब से योगी जी की दूसरी बार सरकार बनी है, कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं। उसके बावजूद विवेक जी, गौरव जी, देखिए यही चैनल पर बैठ करके कितने बेशर्मी से ये बात कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से एकदम बहुत अच्छा माहौल है। और जब देश के गृह मंत्री ही अपने दूरबीन लगाकर देखने के बाद बगल में बैठे हुए जो थार से उत्तर प्रदेश के किसानों को खुलेआम रौंदते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, और कोर्ट में जो जाता है आदमी वो मूछों पर ताव दे करके जाता है, अभी हम लोगों ने बराबर इस चीज को देखा। जेल में बंद तो है, अभी निरुद्ध है, अभी भी बंद है, बंद है, लेकिन जब वो प्रस्तुत किए गए, उनका उनका मॉरल तो देखिए कि चार किसानों को रौदने के बाद जी किस तरीके से मूछों पर ताव दे रहे थे, क्योंकि उनको पता है जी कि हम उनके लोग हैं, हमको बचा लिया जाएगा। और जेल, जब जेल जा रहे थे तो हाथ हिला रहे थे, जनता का अभिवादन कर रहे थे। मैं नहीं बोला था, आप भी मत बोलिए, आप इस तरह की बात कर उसका जवाब लेते जाइए। आपके बीच में नहीं बोला था, जेल जा रहे थे तो ऐसे हाथ हिला रहे थे। विवेक जी, बाद में बात अपनी बात रखिएगा, पहले हमारी बात जवाब लेते हैं। 2014 में अडानी जी की नेटवर्थ बिजनेस $7.1 billion थी, जिसको पाने में उन्हें अपने जीवन के कीमती 39 साल लगे थे, और 2022 जो केवल 8 साल अभी हुआ है, 8 साल में $123.7 billion का बिजनेस हो गया उनका जी। ये मोदी जी के जैसे मित्र को पा करके हुआ है जी। आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, मैं कहता हूँ ट्रिपल इंजन की सरकार है जी। उसमें अंबानी और अडानी को भी जोड़िए। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस मित्र को टॉफी की कीमत में ₹1 per square meter के हिसाब से 14,000 acres जमीनें दी थी। अगला प्लान मैं बता रहा हूं, योगी जी का प्लान चल रहा है, हर जिलों में जमीनों की मैपिंग कराई जा रही है, कहां कहां पर जमीनें खाली है अडानी और अंबानी जी को देने के लिए, सड़कों की मैपिंग हो रही है, ग्राम सभाओं की मैपिंग हो रही है, जमीन खोजी जा रही है कहां कहां है जो इनको दिया जाएगा। 70,000 crore का ढोल पीट करके यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों की, यहाँ के जो छोटे छोटे भूमि के लोगों हैं, उनके जमीनों को लेने का काम करने के लिए ये बड़ा सा हमको एक प्लान बना करके हमारे सामने रखा जा रहा है। हकीकत तब पता चलती है जी। आप भी गौरव जी अगर गांव से आते होंगे तो आप पता करिएगा गांव की स्थिति क्या है जी। आप शिक्षा पर 3% खर्च करते हो, आप स्वास्थ्य पर 3% खर्च करते हो, जहां स्कूल में जाते समय, अभी प्रतापगढ़ की बात बता रहे थे, ये नहीं बताएंगे कि प्रतापगढ़ में एक बच्चा जो नौनिहाल, जो देश का भविष्य था, दीवार स्कूल की दीवार गिर गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। क्या बात करेंगे आप, कानून व्यवस्था की हालात आप देख रहे हैं। आज आपको अपने अपने एम्बुलेंस में डीजल डलवाने के लिए पैसे नहीं है,
डीजल नहीं पड़ता है। धरातल पर अगर उत्तर प्रदेश में विकास दिखा है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का दिखा है। 5 सितारा होटल की तरह हर जिलों में 5 साल के भीतर इन्होंने कार्यालय बनाए हैं अपने, और अब उस कार्यालय में एसी लगा करके उसके खर्चे को चलाने का ये इंतजाम किया जा रहा है। जवाब लेते हैं, ये हकीकत है जी। जवाब हो ये। जवाब एक मिनट बस छोटी सी बात और कर दूं, फिर उसके बाद आप इनसे जवाब लीजिए। मैं कह रहा था कि गांव में पता करिए जो लोग जाकर के बंबई में बैठ करके नारकी जीवन जी रहे हैं, छोटी छोटी चालों में रहते हैं, गुजरात में जाकर के कोलकाता में जाकर के नौकरियां कर रहे हैं, क्या वो अपने घरों को वापसी कर चुके? आज कश्मीर पंडितों का जो हाल है आप देख रहे हो, घर वहां से पलायन हो रहा है। उत्तर प्रदेश भी बहुत जल्दी उसी दशा में जाने वाला है और लगातार पलायन हो रहे हैं। कौन सी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? कौन से इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं? केवल जमीन पर कोई चीज नहीं उतारना है, लंबी लंबी बातें करना है, कागजों में बात करना है, जमीन पर कोई भी विकास नहीं हो रहा है, ये सच्चाई है जी। चलिए विवेक जी जवाब दीजिए। गौरव जी, डिफेंस कॉरिडोर जी और उस पर लगने वाले उद्योग इन्हें दिखाई नहीं दे रहे। आज 80,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं जी, 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है जी, वो जमीन पर उतरता इनको नहीं दिख रहा। अब इनके चश्मे का नंबर का मैं क्या करूँ? आशीष मिश्रा से लेकर के अमित शाह जी के चश्मे का नंबर लगा है ना आपके, आशीष मिश्रा वैसा चश्मा मुझे चाहिए भी नहीं। सत्येंद्र जैन क्या कर रहे थे? कोई अभियुक्त की बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका भारतीय जनता पार्टी या सरकार से क्या वास्ता है? हमने तो सत्येंद्र जैन की बॉडी लैंग्वेज पर टिप्पणी नहीं की, आप आशीष मिश्रा की बॉडी लैंग्वेज पर टिप्पणी कर रहे हैं, क्या यही चर्चा का स्तर है? अब आ जाइए योजनाएं, आपने तमाम भाषण दिया, दुनिया भर का आप बता दिया, दिल्ली में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बेरोजगारी दर क्यों है? बहुत अच्छा शासन आपके केजरीवाल जी कर रहे हैं, आप इसका जवाब दे दीजिए। आपकी भी तो वहाँ 2 बार से सरकार है, उत्तर प्रदेश में 18% बेरोजगारी दर से 2.9% आ गई। कार्यक्रम चला रहे हैं, वहाँ पे बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश से ज़्यादा क्यों है, इसका जवाब दीजिए आज इस चैनल पे। 2 बार से आपकी दिल्ली में सरकार है, हमारे यहाँ 18% से 2.9% हो गई हमारे सरकार काल में, आपका ज्यादा क्यों है? आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छा शासन केजरीवाल चला रहे हैं, अभी आंकड़े झूठे हैं, अभी ये आंकड़े अच्छे थे, अभी आंकड़े झूठे हैं। मीठा मीठा कब करवाना हुआ तू? फर्जी आंकड़े देते हैं, ये आंकड़े फर्जी हो गए, रोजगार दे रहे तो क्यों रोक फर्जी कर रहे हैं? अभी यही आंकड़े उत्तर प्रदेश से बांध ले जाते हैं, जो जो इनको शूट करे गुजरात जाते हैं, जो इनको शूट ना करे उत्तर प्रदेश से बेकार है, टाटा से बिजली ले लिया अडानी अंबानी से नाराज किया। अगर आप इतना रोजगार दिए होते बंद करिए, अगर आप इतना रोजगार दिए होते तो आज आपको ज्ञान व्यापी का चश्मा नहीं लगाना पड़ता। ज्ञान व्यापी का चश्मा आप लगाइए, सनातन अरे आप लगाइए तो है सनातन, हम सनातन संस्कृत का नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, सत्य छिप नहीं सकता। आम आदमी पार्टी पूरे देश में विज्ञापन रही है, इसीलिए आपको बुखार आता है। पहला बयान जब आपने शुरू किया फिर भी केजरीवाल का नाम लिया, माला जपते रहिए केजरीवाल जी, इस देश के मुख्यमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे, इस देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे, वही देश के विज्ञापन है। आपका आपका चेहरा नंगा हो चुका है। एक जो एक लड़का जो थार से कहीं किसी को एक्सीडेंट करके जा रहा है उसकी आप बॉडी लैंग्वेज पे नेशनल डिबेट में चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली का गृह मंत्री की बॉडी लैंग्वेज पे आप चर्चा नहीं करेंगे, वो आपके राजनीतिक दल का नेता है, एक जिसका विभूषण मिलना चाहिए, उस पे आप चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका के लोगों ने आकर के मोहल्ला का क्लिनिक का तारीफ करी है, उसी में कुत्ते लौटने की फोटो भी आई थी चैनलों पे उसी मोहल्ला की। अरे आज क्या बात करते हो, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य व्यवस्था की छिपा नहीं है, सबसे पहला पलायन जगह डॉक्टर की जगह कुत्ते बैठ रहे हैं, वायरल हुई थी तस्वीर, अस्पतालों की लोगों को पलायन के लिए उकसाया, पूरे देश को झूठ बोला कि हमारे भोजन की व्यवस्था है, सबसे पहले भोजन पानी की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बंद किया प्रवासियों के लिए, लाखों लाख लोग बिहार के चक्कर में पलायन के खड़े रहे, उनको देश प्रदेश में पहुंचाने का काम
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की, आप क्या बात करेंगे? आपने हमेशा देश को मौके में धोखा दिया। 500 का ऑक्सीमीटर 5000 में आ टॉपिक पे आइए, टॉपिक पे आइए, टॉपिक पे। 12000 का ऑक्सीजन का सिलेंडर 54000 थे। एक एक जिला बोलने लायक नहीं है, प्लांट लग चुके हैं। हमने उस आपदा में नहीं है उस आपदा में चुनौती को स्वीकार किया। मुद्दा कोरोना का नहीं, यहाँ निवेश के माहौल की बात नहीं खुला उत्तर प्रदेश में, आप क्या बात करेंगे निवेश के मायने? प्रदीप जी कुछ कह रहे थे आप? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो बता रहे थे कि उन्होंने अपने मित्रों के लिए इकोनॉमी से रिलेटेड या पैसों के लेन देन से रिलेटेड कुछ नहीं किया, कांग्रेस की सरकार ने कर्जा दिया था, बस वो उनकी गवर्नमेंट में भाग गए पैसा लेकर के, ये कहना था। तो मैं अब बताता हूँ कि इनके एक बहुत ही अजीज मित्र अनिल अंबानी जी, जिनका 12,429 करोड़ रुपए बकाया होता है और उसका सेटलमेंट ये लोग 800 करोड़ रुपए में कर देते हैं, 94% उनका माफ कर दिया जाता है। आप समझिए कितना, एक गरीब आदमी अगर उसका 1,00,000 रुपया बकाया है, कर्जा ले लिया है, तो उसका माफ नहीं होगा, उसके लिए ये कोर्ट तक चले जाएंगे, उसके यहाँ कुड़की की नोटिस भेज देंगे, मगर अनिल अंबानी जी के लिए ये सेवाएं सुलभ हैं। दूसरी बात, क्योंकि अब दूसरी बात कहते हैं कि अनिल अंबानी जी जिनकी एक कंपनी आरकॉम पहले से ही दिवालिया घोषित हो गई, उसके बाद क्या करते हैं अनभिज्ञ आदमी जिसको किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है उस फील्ड से, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे राफेल के डील के मामले से, राफेल की जो डील करते हैं उसके मामले में टेंडर पूरा का पूरा अनिल अंबानी की कंपनी को दे देते हैं, जबकि एचएल जो है भारत जो गवर्नमेंट कंपनी है उसको पूरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, उसको ना दे करके लाभ पहुंचाने के लिए महंगे विमान खरीदे जाते हैं और लाभ किसको दिया जाता है? अनिल अंबानी को, जिसकी एक कंपनी पहले से डिफॉल्टर है, दूसरे का आपने 94% माफ कर दिया है, उस कंपनी को आप देते हैं और आप कहते हैं कि आपके मित्रों की बात ना की जाए। भाई क्यों ना बात की जाए, आपके शासनकाल के दौरान इस तरीके की घटनाएं घटती, इतना इतना लोगों का पैसा माफ कर दिया जाता है जो कि आपके अजीज मित्र हैं। हम दूसरी चीज अब बात करना चाह रहे हैं, अभी मैं एक पॉइंट कह दूं कह दीजिएगा, मैं एक पॉइंट कह लूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि एक लड़के की बॉडी, भाई वो एक लड़का नहीं है, वो इस देश के गृह राज्य मंत्री का लड़का है, उसके स्वभाव में वो अकड़ दिखती है, उसके स्वभाव में उसके पिताजी के बयान दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री देश के जब बयान देते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई थी, तो वो एक लड़का नहीं है, वो मासूम बच्चा नहीं है, वो मासूम बच्चा की जो बॉडी लैंग्वेज है वो रिफ्लेक्ट करता है, देश के गृह राज्य मंत्री को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। बात आप करते हैं वो, चाहे वो गृह मंत्री का बच्चा हो चाहे गृह राज्य मंत्री का बच्चा हो, अगर अपराध उसको किस तरीके से इसी हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में किस तरीके से, किस तरीके से एडवोकेट जनरल महोदय आते नहीं है और उसकी बेल कॉन्स्पिरेसी के तहत आप लोगों ने हाईकोर्ट से फाइल करवा दी। यहाँ मुद्दा निवेश का है, निवेश की बात हो, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, निवेश के माहौल की बात हो, कांड को अंजाम देने वाले निवेश कौन करेगा? गुली भाई कौन सा निवेश का माहौल बनाएंगे? गुली भाई कुत्तों को पालने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वही एक मासूम बच्चा पता नहीं, चले चलिए निवेश के माहौल पे बात हो, क्योंकि इन्वेस्टर समिट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, मध्य प्रदेश में भी हुई है, उत्तराखंड में भी हुई है, कर्नाटक में हुई है, राजस्थान में भी इसकी पटकथा रची गई थी, पर जो एक प्रकार से निवेश के माहौल को आगे बढ़ाने के लिए और आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर समिट अब लगातार देश में पिछले 12 सालों से हो रही है, यह अभी की घटना नहीं और लगातार हो रही है। मिशम जरी जी, विवेक जी की आपने पूरी बातें सुनी, मिशम जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मिशम जरी जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शायद मिशम जी संपर्क टूट गया है। अंकुर भाई हमारे साथ मौजूद, अंकुर जी, जी लगातार इन्वेस्टर समिट हो रही है और लगातार निवेश के माहौल को बनाया जा रहा है, पर मैंने अपने शुरुआत में भी चर्चा में कहा था कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी विकास की धारा से बाहर हैं, उन पर अभी क्षेत्रों में काम करना जरूरी है, उन क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज को पहुँचाना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्या मानते हैं? देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश को लेके अभी जो सबसे बड़ा दावा विवेक भाई कर रहे थे बेरोजगारी दर को लेके, कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है
वो घटी है या बढ़ी है। देखिए बेरोजगारी दर है या कोई भी आंकड़े हैं, ये आंकड़ों की बाजीगरी का खेल होता है। आप थाने में FIR दर्ज कराने जाएंगे, जब आपकी FIR दर्ज नहीं होगी तो इसका मतलब है आपका क्राइम कम नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि FIR दर्ज ना होने का मतलब है आम आवाम को सुविधाजनक तरीके से FIR दर्ज कराने के अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उससे वंचित किया गया। इसी तरीके से अगर आप कहते हो कि यहाँ पे लोगों का सर्वाइवल रेट बढ़ा है, GDP बढ़ी है या पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, ठीक है, तो अगर आप आज की डेट में, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकता हूँ और मैं साबित कर सकता हूँ, मैं वो बात बोलता हूँ जो मैं साबित कर सकता हूँ। आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवाने जाइए, उनने डिसाइड कर दिया कि 6,000 रुपए या 12,000 रुपए पर मंथ के नीचे से मैं आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बनाऊंगा। 8,000, 6,000, 10,000, 12,000 मतलब उनने अपना डिसाइड कर रखा है। आपकी चाहे एक्चुअल इनकम महीने की 500 रुपए हो, आप 1,500 रुपए का बेरोजगार कर रहे हो, आप 1,500 रुपए 2,000 रुपए में जैसे तैसे जिंदगी सर्वाइव कर रहे हो, लेकिन वो एक मिनिमम वैल्यू से नीचे आपका नहीं बनाएंगे। तो ये हो गई आपकी आंकड़ों की बाजीगरी। और जब आपका एक निश्चित इनकम से नीचे का प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनेगा आय प्रमाण पत्र, तो सरकार पीठ थपथपाएगी, देखिए हमने इतना इन्वेस्टर सबमिट और इतना सब कुछ किया है कि हमारे प्रदेश में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई है और हमारी आय होती है। आंकड़ों का खेल, आंकड़ों की बात नहीं। पर अंकुर भाई, यहाँ पर GDP अगर हम देश की बात करें तो कहा जा रहा है कि 10 यानी एक दशक के बराबर इस समय जो सबसे ज्यादा एक दशक में सबसे ज्यादा ग्रोथ पर है, GDP की बात कर रहे हैं, 8.9% चल रही है इसमें। क्या कह रहे हैं, पुनः रिपीट करिए। जो GDP का अगर हम देश की बात करें तो कहा जा रहा है कि एक दशक में सबसे ज्यादा उच्चतम स्तर पर इस समय GDP है, 8.9% बताई जा रही है। नहीं देखिए, कहने में मैं कहते रहा हूँ, आज की डेट में एक समय यही GDP क्या कहते हैं माइनस में पहुंच गई थी। चलिए मैं कोरोना का इम्पैक्ट मानता हूँ, कोरोना काल में जब इंडस्ट्रीज बंद थी, हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है, तो नेचुरल सी बात है उस समय GDP डाउन होगी, लेकिन उस समय जिस सेक्टर ने हमको संभाला था वो सेक्टर था एग्रीकल्चर सेक्टर। माइनस में GDP जाने के बावजूद हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो नियर अबाउट 4% के करीब बना हुआ था। उसके बाद इन लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे कितना ध्यान दिया, उसके तुरंत बाद आपने 3 कृषि काले कानून ले आए थे, उन कृषि काले कानूनों को आपने इलेक्शन को देखते हुए वापस लिया। ठीक उसी तरीके से आज की डेट में आप इन्वेस्टर समिट का नाम ले रहे हैं, जब आपका इन्वेस्टर समिट हो चुका है तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के नाम पर जनता का पैसा बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है भाई। एक ही चीज का आयोजन आप 3-3 बार कर रहे हैं, मतलब एक बार आपने 10 लाख रुपए का मान लीजिए आपने व्यवस्था की कि हमने इन्वेस्टर समिट में 10 लाख रुपए, आपने खूब ढिंढोरा पीटा, फिर उसी 10 लाख रुपए में से फिर आपने दूसरी बार दिखाया कि मैंने 2 लाख रुपए आज पब्लिक के लगाने चल दिए, इन्वेस्टर्स ने लाए, फिर हमने ढिंढोरा पीटा, उसके बाद फिर हम ले आए कि 1 लाख रुपए, फिर हमने ढिंढोरा पीटा, पब्लिक के सामने ढिंढोरा पीटने क्या आवश्यकता है। आप ये काम का श्रेय जो है वो एक ही बार तो लेंगे, ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी क्या है, ये जो ब्रेकिंग है ये तो हार्ड ब्रेकिंग सेरेमनी है, जनता के जो पैसा है उसका ब्रेकिंग सेरेमनी है, मिसयूज सेरेमनी है। आप जो काम करिए धरातल पर नजर आएगा, जनता आपको स्वयं जवाब देगी। अंकुर जी, पहली सेरेमनी हुई उसमें इन्वेस्टमेंट समिट में लोग आए, उन्होंने कुछ निवेश की घोषणाएं की, दौरान पाइपलाइन तमाम सारे प्रोजेक्ट आए, सेकंड हुई, आज तीसरी हुई जिसमें 1406 योजनाओं का शिलान्यास हुआ, वो जमीन पर उतरी, और उस शिलान्यास कार्यक्रम पे आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आप जिस दल के सहयोगी के रूप में हैं, या हमारे जो भी मिशन जैदी जी भी आपसे मिलती जुलती बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र, सैफई में आलिया भट्ट का जब डांस कराने के लिए हवाई जहाज से उनको आप बॉम्बे से बुलाते थे तो क्या वो अखिलेश यादव अपने घर से पैसा देते थे क्या? उससे कौन सी योजनाएं आप किसको रोजगार दे रहे थे सैफई में नाच करा करके? आप बोले नहीं क्या अन्य महोत्सव में आप भी डांस करवाए हैं बारबालाओं को बुला करके? पारिभाषिक शब्दावली का अभाव हो गया है, उसको तो आप इस तरह का आरोप में बढ़ दे रहे हैं। आप
आप एक बात का श्रेय एक ही बार लीजिए ना, हमने आपको श्रेय दिया जब 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 मुजफ्फरनगर के पूजी कैंपों में बड़ा मानव साठ बच्चे जाने से मर गया। जाने दिए भाई, इनके मित्रों के बारे में बोलेंगे तो इनको बता उसने क्या बात करेंगे देश प्रदेश के लोगों से। चलिए आप जब 4,68,000 की सबमिट का इन्वेस्टमेंट सबमिट का आप बात कह चुके हो तो उसी में टुकड़े टुकड़े में जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये आपकी कोई प्रोजेक्ट एक दिन में उतरता है, एक दिन में आप ऐसी बात कर रहे हैं? आप क्या इस चैनल पर बैठ के ये बात कह सकते हैं? ये जो आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो उद्योगपति आए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इसमें? बिल्कुल आप ये बात कह सकते नहीं, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा। नए कॉन्ट्रीब्यूशन की घोषणा की क्या बात करेंगे? ये आम जनमानस नई कॉन्ट्रीब्यूशन की घोषणा करके 40,000 करोड़ की है, बताने के लिए 70,000 करोड़ की, आप क्या बात करेंगे? सरकार में सुनिए श्रीमान जी, आप ही की सरकार में पिछली बार जो एलईडी लाइटें लगाई गई थी 45 रुपए की जो एलईडी लाइटें थी उनको किराए पे लिया गया था और 27,00,000 रुपए का भारी भरकम बिल बनाया गया था। आप हम जाना कार्रवाई हुई, भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलती है, जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा सरकार कार्रवाई करेगी, छोड़ती किसी को नहीं है। जी, फिर मैं एक सवाल, छोड़ती केवल उसी को जो भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो जाता है। वो तो न्यायपालिका का काम केजरीवाल कर रहे हैं ना, सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दे रहे हैं, सिसोदिया को क्लीन चिट दे रहे हैं, बहुत तेजी से पकड़ा हुआ है, मंत्री के साथ साथ न्यायाधीश भी हो गए हैं। दवाई कराइए अपनी, केजरीवाल तो उसमें के हैं, 29,000 करोड़ का बजट पाए थे और आज उन्होंने 75,800 करोड़ का कर दिया। जब से सत्ता में है 2.5 गुना बजट को बढ़ा दिया, शॉपिंग फेस्टिवल कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आवाज आ रही है, ये जो आपकी नीतियां है उसका परिणाम पंजाब में दिख रहा है। चले चले हो गया मिसम जी, उषा वाले कितना आम आदमी पार्टी की देन है। विवेक जी मिसम जी आवाज आ रही है आपको मेरी? मिसम जी, अरे भाई सैफई डांस देखने चले, मैं कहां परेशान। मिसम जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जुड़े हुए हैं शायद, मिसम जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। तो अंकुर जी, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? विवेक जी का कहना है कि जो घोषणा है आज कुमार मंगलम बिड़ला ने भी की है और अडानी जी भी घोषणा की है, उनका कहना है कि जो 80,000 करोड़ की योजना का चलाने अलग हुआ है और यहाँ पर चारों लोगों ने घोषणाएं अलग अलग की है कि इतने हम 1,000 करोड़ का निवेश यहाँ पर लाएंगे। तो क्या ये घोषणाएं 2018 में जो इन्वेस्टर सबमिट हुआ था 4,68,000 करोड़ की घोषणाओं से अलग घोषणाएं हैं? क्या उस समय सुनिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, पूरा सवाल सुनिए। अगर अगर भ्रम नहीं बना रहे हम, प्राथमिकता बता रहे हैं, यही आपसे जवाब नहीं, यही आप इंटरप्ट कर रहे हैं। उसमें 1400 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। आपका क्या है? वास्तविकता ये है कि आप केवल ढोल बजा रहे हैं, वास्तव में कुछ हो आवा नहीं रहा है। जब इनने 2018 में वो घोषणा की थी, आज एक बार पुनः उस घोषणा से डरा दे, क्या फायदा उस घोषणा का? जवाब दीजिए बेबी जी। आप कहिए कि 2018 में जो उन्होंने ये घोषणा नहीं की, हम एक ही व्यक्ति से बार बार एक बात को कहलवाएंगे तो कोई घोषणा नहीं होगा। जनता को 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, आज उन्होंने नई घोषणाएं की है, उसमें ये भी बताया है गौतम अडानी ने कि 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, कुमार बिड़ला ने कहा कि 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पुरानी की बात मत करिए भाई, पुरानी घोषणाएं थी, अब नई। चलिए प्रदीप जी फाइनल कमेंट दीजिए। प्रदीप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो इन्वेस्टर सबमिट कर रही है जी, उसके लिए उनको अगर धन्यवाद बनता, कांग्रेस पार्टी धन्यवाद देती अगर 2018 में जो घोषणाएं हुई थी वो धरातल पे उतरती, वो धरातल पे कहीं नहीं दिखाई देती हैं। और वर्तमान में भी जो घोषणाएं हुई हैं वो आपको सिर्फ पेपर में, आप न्यूज चैनल के माध्यम से देख पाएंगे, टीवी में देखेंगे, पेपर में देख पाएंगे, बाकी आपको कहीं नजर, अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो वो घोषणाएं आपको कहीं नजर नहीं आएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को
मेरी एक सलाह है, कांग्रेस पार्टी की तरह से सलाह है कि आप जो भी करिए कम करिए, जरूरी नहीं कि आप हवाई तो पे हाक दीजिए कि हाँ इतना करोड़ का आ जाएगा, आप कहिए कि हाँ इतना आएगा, मगर वो धरातल पे आए, क्योंकि धरातल पे शून्य है, लोग परेशान है, बेरोजगार परेशान है, उसको कुछ रोजगार नहीं मिल रहा। अडानी जी ने तो कह दिया कि 33,000 करोड़ का रोजगार मिल जाएगा, मिलेगा कितना ये तो वक्त बताएगा। चलिए ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो बड़ा निवेश का यहाँ पर आयोजन किया गया और 80,000 करोड़ की 1406 परियोजनाओं की यहाँ पर शुरुआत की गई। आने वाले समय में कितनी परियोजनाएं पूरी होती हैं, कितनी परियोजनाओं पर कितना समय लगता है और उत्तर प्रदेश में निवेश के माहौल को किस तरह और बेहतर किया जाता है, ये आने वाले सरकार में जो कदम उठाए जाएंगे वो देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों की भी हमको ध्यान देना होगा कि जहाँ पर अभी भी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है। अगर हम बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र की, वहाँ पर अभी भी इंडस्ट्रीज उस लेवल पर, उस स्तर पर डेवलप नहीं है कि वहाँ पर लोगों को अपने ही क्षेत्र में अपने ही जगह पर काम करने का मौका दिया जाए। वहाँ के निवासी पलायन पर मजबूर हैं और इस पलायन को रोकने के लिए हमको उन क्षेत्रों की तरफ विकास की डोर को ले जाना पड़ेगा जहाँ पर आज भी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो MSME हैं, जो उद्योग हैं, वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाए हैं, विकसित नहीं हो पाए हैं। तो निवेश का माहौल आने वाले समय में और कितना बेहतर होगा और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए कितना और प्रयास यहाँ पे किया जाएगा, आने वाले समय में कितनी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इन्वेस्टर्स समिट देखने को मिलेगी वक्त बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि इस बार जो योगी सरकार का एजेंडा है और सक्रियता है वो कुछ अलग ही डोर निकालने वाली है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।